बिसम राय तो इन कॉन्टिन्यूशन ऑफ़ दट न्यू टॉपिक वी स्टार्टेड दैट इज़ वैल्यू एट रिस्क हम इसकी थोड़ी सी डिटेल में बात करेंगे बिफोर वी मूव ऑन टू द कोर एरिया मैं चाहूँगा कि आपको एक इनफॉर्मली एक टास्क दूँ डेफिनेटली असाइनमेंट्स वगैरह आई नो आपको मिलती हैं और आप करते रहते हैं लेकिन एज़ इट्स द टेक टाइम टेक्नोलॉजी है आप लोग सब ऑनलाइन uh, काम कर रहे होते हैं तो आई लाइक टू डू अ अटर रिसर्च ऑन वी ए आर आप कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की एनअल रिपोर्ट किसी एक की निकाल लें दो की निकाल लें एंड ट्राई टू फाइंड के वेदर दे हैव कैलकुलेटेड वार इन देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और वो उसको कैसे शो कर रहे हैं और प्लस इवन इफ़ यू कैन स्पीक टू सम बैंकर स्पेसिफिकली जो रिपोर्टिंग साइड पे हैं तो इसके बारे में क्या बताते हैं तो ये एक थोड़ा टास्क करें इससे आपको डायरेक्ट फर्स्ट हैंड लर्निंग भी आएगी एंड यू विल गेट द फील आउट ऑफ इट तो वी आर मूविंग टू द वैल्यू एट रिस्क इसके हम इंटरप्रटेशन की बात करेंगे कि हाउ इट रिलेट हाउ इट टेल्स वैल्यू एट रिस्क इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ डाउन साइड रिस्क मैयर हमने पहले बात की डाउन साइड को ज़्यादा कंसर्न है कि लोअर साइड पे हम क्या कर सकते हैं बिकॉज ही लूजिंग साइड है उसको मैयर करने का ये टास्क है रादर देन प्रोड्यूस अ सिंगल स्टैटस्टिक्स और एक्सप्रेस एन अपसर सर्टनिटी इट मेक्स प्रोबलिस्टिक एस्टिमेट तो ये प्रॉबिलिटी की बेस पे और टास्क को करके हमारे कॉन्फिडेंस लेवल के बेस पे हमें ये एक आउटकम देता है तो इट्स मोर इन अ बेसिक लैंग्वेज लेमन एंड टर्म में ये हमें फाइनल आउटपुट इसकी आ जाती है इंटरप्रिटेशन क्या है वायर इज नंबर मईड इन प्राइस ऑफ यूनिट्स और अ परसेंटेज ऑफ पोर्टफोलियो वैल्यू ये आ तो आपको बताएगा कि जी आपकी इतनी वैल्यू है रिस्क पे वी आर नाइन्टी फाइव परसेंट श्योर कि आपका सौ मिलियन का लेट्स से अगर पोर्टफोलियो है तो यह नाइन्टी फाइव परसेंट श्योर कि आपका पोर्टफोलियो वन पॉइंट टू मिलियन से ज़्यादा लूज नहीं करेगा तो दैट्स द अमाउंट 95% फाइव परसेंट हम शोर हैं कि इससे ज़्यादा इससे कम होगा इससे ज़्यादा लॉस नहीं होगा या हम कह सकते हैं कि हमारा जो है वो परसेंटेज टर्म में हम उसको भी बता सकते हैं कि यानी कि वेर इज़ टू पॉइंट थ्री परसेंट या वन पॉइंट टू परसेंट जो भी हमारी अमाउंट कैलकुलेट होगी तो ये परसेंटेज में भी होता है और एब्सोलूट अमाउंट में भी इट टेल्स यू दैट इन डिफाइन लार्ज परसेंटेज ऑफ केसेस यूजली नाइनटी फाइव परसेंट और नाइनटी नाइन परसेंट योर पोर्टफोलियो इज लाइकली टू नॉट लूज मोर देन दैट अमाउंट के ना इन इस सर्कमस्टांस में इससे ज़्यादा अमाउंट आप लूज़ नहीं कर पाएंगे जो कि समझना इंटरप्रेट करना ईजी है और सर अदरवाइज अराउंड में हम ये बार बार इसलिए करेंगे क्योंकि हमें इंटरप्रटेशन और इसकी लॉजिक समझना बहुत जरूरी है कि ये हमें नेट रिजल्ट बताता क्या है और बाकियों से ये फ़र्क कैसे इन डिफाइंड स्मॉल परसेंटेज फाइव और वन परसेंट योर लॉस इज एक्सपेक्टेड टू बी ग्रेटर देन अब अगर दूसरी साइड की बात करूँ कि हमारे पांच परसेंट या एक परसेंट चांस है कि आपका लॉस इससे ज़्यादा होगा जैसे मैंने कहा था टू पॉइंट थ्री मिलियन या वन पॉइंट टू मिलियन तो फाइव परसेंट चांस है कि लॉस वन पॉइंट टू मिलियन से ज़्यादा होगा नाइन्टी फाइव परसेंट चांस है टू पॉइंट थ्री मिलियन से कम होगा या वन पॉइंट टू जो भी हमारे कैलकुलेटर से कम होगा और फाइव परसेंट चांस है कि उससे ये ज़्यादा होगा तो दोनों एंड का व्यू हो सकता है इसके मैथड जो हैं हमने डिटेल से पढ़ने हैं हम थोड़ी उनकी स्टार्ट कर लेते हैं लर्निंग आउट ऑफ इट कि वट आर दे आर थ्री मेन मैथड्स टू कैलकुलेट वार एंड दे हैव ऑल देयर ओन लाइ लॉजिक्स एंड बेसिक्स वन इज हिस्टोरिकल मैथड जो हिस्ट्री डेटा पे बेस करेगा वेरिएंस वेरियंस कोवेरियंस मैथड बेसिकली ये एनालिटिकल मैथड इसको भी कहते हैं कि बेस्ड ऑन द कैलकुलेशन पार्ट एंड देन इज कार्लो सिमुलेशन दैट्स अ न्यू एरिया इस पर हम टाइम लगाएंगे आपको थोड़ी कार्लो की बेसिक्स भी बताएंगे एंड देन वील टॉक अबाउट इट अगर हम ग्राफिकली देखना चाहें तो ये कुछ थोड़ा सा स्ट्रक्चर बनता है कि आर यू गेट द इनपुट्स फ्रॉम द पोर्टफोलियो हैजिंग होल्डिंग हमारी कितनी है अमाउंट क्या है देन वी गेट द हिस्टोरिकल डाटा वी प्लाग इन इन टू द प्रोसीजर सिस्टम मैप करते हैं उसको वेयर वीट स्टैंड वी ट्राई टू वर्क इट आउट ये हमने कैल्कुलेसन ख़ुद भी करनी है सो यी डोंट नीड टू वरी लेकिन आपको हम एक प्रोसेस बता रहे हैं कि थ्रू द प्रोसेस यू कैलकुलेट वायर एंड देन यू हैव असिफिक वैल्यू एडेड रिस्क कैलकुलेटेड